वेलकम फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हम अपनी क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज पढ़ाई से अलग मैं आपके साथ पहले सिलेबस डिस्कस करूँगी। आप सभी को पता ही है कि अभी KVS के फॉर्म्स निकल चुके हैं, अप्लाई के भी ऑप्शंस आ गए हैं और उसकी लास्ट डेट 23 सितंबर है, तो तब तक आपको सारे फॉर्म फिल्स करने हैं। जो KVS का सिलेबस है वो रिसेंटली चेंज हुआ है, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं और उससे अलग भी कुछ चीज़ें उसमें एडिट कर दी गई हैं, तो इसीलिए पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में KVS के में क्या क्या आ रहा है, जिससे आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकें एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता ही है कि KVS में एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू दोनों होते हैं। फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका एग्ज़ाम क्लियर करना, देन इंटरव्यू क्लियर करना, देन आपको आपकी जॉब मिलेगी। तो इसीलिए KVS का सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर जो आपके लिए अप्लाई निकला हुआ है ऑनलाइन के लिए KVS के लिए, उसके अंदर 22 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल PGT, TGT, PRT, PRT म्यूज़िक, ये सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप वो वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको टीचर के लिए बनना है। जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल है, आपको पता ही है उन सब के लिए आपको बीएड, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस सेकंड सीटेट क्लियर होना चाहिए। पीजीटी के लिए भी आपका बीएड, ग्रेजुएशन प्लस सीटेट सेकंड वाला क्लियर होना चाहिए, सेम एज अ टीजीटी। एंड पीआरटी के लिए, पीआरटी एंड पीआरटी म्यूजिक के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट, 12 प्लस आपका 2 ईयर डिप्लोमा जो भी आपने किया है, ईटी, बीएलएड एंड डाइट वगैरह एक्सेट्रा, ओके। और सिलेबस में आपका आएगा वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का जो है पेपर पहला, उसके अंदर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए जो है पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है, पार्ट फर्स्ट में आपका जर्नल इंग्लिश रहेगा, जर्नल हिंदी रहेगा। ये दोनों जो आपके पार्ट फर्स्ट में, ये 10-10 मार्क्स के हैं, 1 मार्क पर ईच क्वेश्चंस, ओके। एक एक नंबर के दोनों, एक एक नंबर का हर क्वेश्चन होगा आपका। तो जर्नल इंग्लिश आपकी 10 मार्क्स की आएगी, जर्नल हिंदी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। पार्ट सेकंड में आपका GK यानी कि जर्नल नॉलेज प्लस GS, ये भी 10 मार्क्स के आएंगे। इसके पास आपकी रीजनिंग आ गई, रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। उसके बाद जो नया इसमें ऐड किया है, अब से पहले कंप्यूटर जो था हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में नहीं आता था, बट प्लस कंप्यूटर भी इसमें रख दिया, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो भी आपके उसमें डिवाइस, इनपुट आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी आपका 10 मार्क्स कवर करता है, ओके, यानी कि 10 क्वेश्चंस इससे। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका टोटल 30 मार्क्स का हो गया, ये आपका टोटल 20 मार्क्स का हो गया। टोटल पे जो आपका प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कितने मार्क्स का आएगा, 150 मार्क्स का आएगा, जो 150 मिनट्स का ही होगा। आपको 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में कवर करने हैं, ओके। 20 प्लस 30, 50 आपके इसमें कवर हो गए पार्ट वन, पार्ट सेकंड में। इसके बाद देख लेते हैं पार्ट थर्ड में आपका क्या आएगा। पार्ट थर्ड के अंदर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, CD प्लस पेडागॉजी आएगी, ये आपकी कवर करेगी 50 मार्क्स, ओके, 50 मार्क्स कवर करेगी। अब इसके अंदर CD प्लस यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागॉजी के अंदर आपके प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग मेथोलॉजीज, मेथड्स वगैरह, और आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, या फिर स्कूल एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सारे क्या हैं आपके पेडागोजी के अंदर आएंगे। और साइकोलॉजी में आपके क्या आएंगे, जो थ्योरीज हमें दी गई हैं पेवलोव, स्किनर वगैरह की, जो आपके डेवलपमेंट्स होते हैं कॉग्निटिव, मोटर, साइको, ये सारे डेवलपमेंट्स इसके अंदर आएंगे। वो हमारी प्रिपरेशन चल ही रही है एग्ज़ाम के साथ साथ, तो आप वो सारी वीडियोज़ देखते हुए चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा पार्ट फोर्थ है,
इसके अंदर पार्ट फोर्थ है वो आएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ये आपके करेगा 50 मार्क्स कवर। ओके, तो ये आपको पता चल गया 50 50 100 एंड 30 प्लस 20 150, यानी कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल ये आपका सिलेबस रहेगा जो आपके 150 मार्क्स कवर करेगा। 150 मिनट में आपको करना है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी का। इसके अंदर पीजीटी के एग्ज़ाम्स में क्या क्या सिलेबस में आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पीजीटी के लिए आप जो भी अप्लाई करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जब आपने डाइट किया होगा या फिर बीएड किया होगा, ये सारी चीज़ें की होंगी, टीचर आपका जो कोर्स होगा टीचिंग का, उसके अंदर आपने अपने सब्जेक्ट का फोकस किया होगा, और आपको पता है जब आपने सीटेट भी दिया होगा पेपर सेकेंड, उसके अंदर भी आपका सेम पैटर्न होगा। ओके, तो हमारा जो पीजीटी है वो आपका हिंदी, आप इन इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पीजीटी फॉर हिंदी, पीजीटी फॉर इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एंड साइंस। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप पीजीटी के लिए इनमें अप्लाई करते हैं। आपको हिंदी का पीजीटी टीचर बनना है, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप पीजीटी में अप्लाई करते हैं, जिसमें आपका सेकंड पेपर सीटेट क्लियर होना चाहिए, प्लस आपकी ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। ओके, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। और उसके बाद इसमें जो पीजीटी के लिए आप पेपर देखेंगे केवीएस का, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके, आपका जो पार्ट फर्स्ट होगा, देखिए पार्ट फर्स्ट आपका कॉमन है, सभी के लिए सेम आता है, जिसमें जर्नल इंग्लिश हो गई आपकी एंड जर्नल हिंदी हो गई, जो आपके सेम 10-10 मार्क्स कवर करेगी, 20 मार्क्स की आएगी। एंड पार्ट सेकंड में इसमें आपका क्या आएगा, सेम एज जीके एंड करंट अफेयर्स, आपकी आएगी 10 मार्क्स, रीजनिंग आपकी आएगी 10 मार्क्स, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे 10 मार्क्स, एंड पैडागोजी। पैडागोजी आएगी आपकी 20 मार्क्स। ओके, तो ये वाला पार्ट आपका सेकंड, जो पार्ट सेकंड है वो कितने मार्क्स का हो गया, 10, 20, 30, 50, ठीक है। इसके बाद इसमें जो पेडागोजी का आपका आएगा पार्ट सेकंड के अंदर, जो आपकी पेडागोजी आएगी उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे करिकुलम क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, वो मैं आपकी जब क्लास स्टार्ट करूँगी पेडागोजी के अंदर, उसमें हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, और आपके जो भी थ्योरीज हैं या लॉज दिए गए हैं, जो भी पॉलिसीज आई हैं, वो सारे आपके पेडागोजी के अंदर कवर होंगे। और इसके बाद इसमें जो पार्ट सेकंड के अंदर ही जो आपका बाकी आएंगे, जो आपके मार्क्स और क्वेश्चंस रह गए हैं, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। सब्जेक्ट कंसर्न आएंगे वो आएंगे आपके 80 मार्क्स के। ओके, तो ये आपका पीजीटी का हो गया। एंड टीजीटी भी सेम है, पीजीटी एंड टीजीटी के लिए ये सिलेबस आता है आपका। एक चीज़ और, जो टीजीटी है, टीजीटी के अंदर एक और आता है, मैं बता देती हूँ आपको, टीजीटी जो हमारा फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी जो हमारा फिजिकल एजुकेशन के लिए है,
एंड आर्ट एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके लिए सेम जो टीजीटी वाला अभी मैंने सिलेबस डिस्कस किया वही है, बस उसमें पेडागोजी का ऑप्शंस नहीं है, उसकी जगह पे क्या है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। मतलब उसमें आपका फर्स्ट पार्ट में इंग्लिश हिंदी आ गई जर्नल 20 मार्क्स की, पार्ट सेकंड में आपकी जीके प्लस करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर के बाद आपका सीधा आपका 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाएगा जो भी आपका टीजीटी में सब्जेक्ट रिलेटेड कवर्ड है, ओके। उसके बाद हम पीआरटी का डिस्कस कर लेते हैं कि पीआरटी के उसमें क्या क्या आपका सिलेबस कवर होगा। पीआरटी के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं पीआरटी म्यूज़िक, पीआरटी स्पेशल एजुकेशन और इन सब के लिए और नॉर्मल के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, आपका 12th प्लस डाइट यानी कि आपका ETE या फिर BLED ये सब होना चाहिए, JBT लाइक ऑल, एंड प्लस आपका CTET फर्स्ट क्लियर होना चाहिए तब आप एलिजिबल हैं KVS के लिए टीचर बनने के लिए। और PRT में जो आपका सिलेबस कवर हो रहा है पार्ट फर्स्ट जो आपका आएगा उसमें वही जर्नल इंग्लिश आएगी एंड जर्नल हिंदी आएगी, ये आपके 10-10 मार्क्स की हो गई, 20 मार्क्स कवर कर रहा है ये आपके। और इसके अंदर जो पार्ट सेकंड उसमें आपकी जीके प्लस करंट अफेयर्स आएगा 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स। इसमें एक नया ये ऐड कर दिया गया है, पहले कंप्यूटर रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, कंप्यूटर से रिलेटेड आता ही नहीं था, सब्जेक्ट में नहीं था, तो अब इसमें आएगा 10 मार्क्स एंड देन पेडागोजी। अब इसमें फ़र्क क्या है देखिए, जर्नल इंग्लिश हिंदी आपका पूरे मार्क्स कवर कर रहा है 10-10, GK प्लस करंट अफेयर 10, रीजनिंग कंप्यूटर एंड पेडागोजी में आपके वही मैंने अभी बताया था जो सारी पॉलिसीज आ गई, करिकुलम, इवैल्यूएशन, ये सारी हमारी पेडागोजी के अंदर आएंगी 20 मार्क्स की। और जो इसी में सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, सब्जेक्ट PRT के लिए तो आप ऑल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो PRT में आपके लिए बच क्या गया, आपका सारा तो यहाँ पे कवर हो गया, जो आपका साइकोलॉजी रह गया यानी कि बाल मनोविज्ञान CD रह गया आपका, वो आपका 8 मार्क्स का इसके अंदर कवर होगा, सॉरी 80 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे ज़्यादा PRT के लिए फोकस करना है चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्योंकि वही आपके 80 मार्क्स आपको गेन करने में, अचीव करने में हेल्प करेगा, बहुत हेल्पफुल है। और बाकी जो पेडागोजी है वो 20 मार्क्स की, ये दोनों का ही पार्ट आपका 100 मार्क्स का बनता है, ठीक है। लास्ट हमने PRT का भी डिस्कस कर लिया एंड PRT म्यूज़िक में आपका सेम है ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड वाले पार्ट में भी GK प्लस करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर और पेडागोजी की जगह PRT म्यूज़िक में पेडागोजी की जगह सब्जेक्ट आएगा उनका, तो उनमें सब्जेक्ट क्या होगा, जो भी उन्होंने म्यूज़िक के बारे में पढ़ा होगा, जो भी उन्होंने म्यूज़िक की शिक्षा प्राप्त करी होगी बच्चों को पढ़ाने के लिए कि कैसे हेल्पफुल है, तो वो आपका डायरेक्ट 100 मार्क्स का इसके अंदर आ जाएगा, ओके। इसके अंदर हमने सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया है, सिलेक्शन ऑफ मोड भी डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट आपका टीचिंग एग्ज़ाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, देन कट ऑफ के बाद आपका सिलेक्शन होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी जो भी हमारे कंसर्ट सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड स्टडी करेंगे, ओके, थैंक यू।